हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सर्कुलर वाटर टैंक जब अंडरग्राउंड हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरह से उसकी डिज़ाइन होती है। ये हमने बहुत सिंपल और आसान तरीके से बिल्कुल डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और भी कई सारे टॉपिक या कई सारे केसेस हमने वाटर टैंक के ऊपर डिस्कस कर रखे हैं, उन सारे टॉपिक्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां पर जाके उन सारे केसेस को, उन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो की। आज हम डिजाइन करने जा रहे हैं एक सर्कुलर वाटर टैंक विच इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, हमने अब तक देखा था कि अंडरग्राउंड सर्कुलर वाटर टैंक को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। आज हम देखेंगे कि रेस्टिंग ऑन ग्राउंड सर्कुलर वाटर टैंक को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। बहुत ही सिंपलेस्ट डिजाइन है, कॉम्प्लिकेशन इस पूरी डिजाइन के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम वाटर टैंक को डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर दो तरह के बेस कंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, एक तो होता है फ्लेक्सिबल बेस और दूसरा होता है रिजिड बेस। अब यहाँ पर देखिए, दो कंडीशंस जो हमने अब तक प्रीवियस वीडियो के अंदर जब भी हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक को डिस्कस कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो, तो हमें उसके लिए दो कंडीशंस के लिए उसे डिजाइन करना होता है। एक तो जब टैंक खाली हो और जब टैंक भरी हुई। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कंडीशंस होती है क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है, उसके ऊपर साइड से, सराउंडिंग से जो है सॉइल का प्रेशर आता है और एक कंडीशन में नहीं आता है। तो दोनों कंडीशन के लिए हमें उसे डिजाइन करना होता था बिकॉज इट इज अंडरग्राउंड। बट दिस टैंक इज नॉट अंडरग्राउंड बट इट इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह की केस के अंदर हमें करना क्या होता है कि सिर्फ एक ही केस, मतलब हमारा कौन सा केस हो जाएगा इसके अंदर, कि भाई टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है और देर इज नो सराउंडिंग सॉइल प्रेशर आउटसाइड द टैंक। ठीक है, सिंपल केस है, तो इसके अंदर हमें वेरिएशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए ये केस बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बेस जो फ्लेक्सिबल और रिजिड होता है, इसके अंदर थोड़े वेरिएशंस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन मैंने आपको बेसिक डिफरेंस इसका बता दिया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि फ्लेक्सिबल बेस किसे कहते हैं, रिजिड बेस किसे कहते हैं। ठीक है, किस तरह से इन दोनों के अंदर डिज़ाइन होती है। ओके, तो चलिए हम आज मैं आपको पहले बेसिक डिफरेंस फिर से बता दूँ, सर्कुलर वाटर टैंक जब ग्राउंड पर रेस्ट कर रही हो तब। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर आपके सामने दो कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, एक में फ्लेक्सिबल बेस है और दूसरे में रिजिड बेस है। एक फ्लेक्सिबल बेस की अगर बात करूं मैं तो इसके अंदर जो मैक्सिमम बेस पे प्रेशर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, एक्टिव प्रेशर होता है वो गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब इसके अंदर देखिए सॉइल तो है नहीं, तो जो भी प्रेशर लगेगा मैक्सिमम बेस पे वो किससे लगेगा, वाटर से लगेगा। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी इनटू हाइट। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से जो टोटल हुप टेंशन क्रिएट होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था क्योंकि ये सर्कुलर वाटर टैंक है तो इसके अंदर जो टेंशन होगा वो हुप टेंशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होता है पी ए इंटू डी बाई टू। ठीक है, तो पी ए मतलब गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू डी बाई टू मतलब डायमीटर बाई टू, तो ये हुप टेंशन हो गया टोटल। बस इतना ही इतना आपको समझना है इसके अंदर कि फ्लेक्सिबल बेस के अंदर किस तरह से सारी चीज़ें करना है। बाद में इस टेंशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है कि भाई स्टील प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिजिड बेस की। तो रिजिड बेस के अंदर क्या होता है कि जिस तरह से मैंने आपको जब रेक्टेंगल के अंदर हम बात कर रहे थे तो रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर क्या हुआ था कि जब भी रिजिड बेस हो तो उसके अंदर कैंटिलीवर मोमेंट बेस पर क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस कैंटिलीवर पोर्शन के लिए हमें अलग से डिजाइन करना होता है। उसके ऊपर जो टॉप पोर्शन होता है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, स्मॉल एच क्या होता है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा रखा है, ये स्मॉल एच होता है। ठीक है, बेस से जो एच स्मॉल एच हाइट होती है, ठीक है, ये स्मॉल एच कहते हैं इसे। तो इस हाइट को हमें एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करना होता है और जो टोटल ऊपर की जो बची हुई हाइट होती है, ठीक है, टॉप पोर्शन की, तो उसे हमें एज अ यहाँ पर हुप टेंशन, ठीक है, एज अ हुप टेंशन के अंदर वो पोर्शन है तो उसी तरह से हमें यहाँ पर डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए डिफरेंस क्या है, इनके फॉर्मूलास क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। जब हम बात करते हैं कैंटिलीवर मूवमेंट एट बेस पर कैंटिलीवर मूवमेंट कितनी होगी, ठीक है, तो हाफ इंटू गामा, हमें पता है कि मूवमेंट का फॉर्मूला किस तरह से होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू सी जी। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस मतलब ये क्या, ये गामा डब्ल्यू इंटू एच हो गया, ये बेस हो गया हमारा, ठीक है, प्रेशर का, इंटू हाइट, ओके, मतलब ये जो कैंटिलीवर मूवमेंट है तो ये किस हाइट तक होगी, ये स्मॉल एच तक होगी, इसलिए स्मॉल एच ले रहे हैं, इनटू एच बाय थ्री। अब ये कहां लगेगा, तो एच बाय थ्री मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहां पर ये इसके सीजी पर लगेगा, ट्रायंगल का सीजी कहां होता है, एच बाय थ्री पर होता है। ठीक है,
ओके तो इस तरह से ये एच बाय थ्री आ गया, तो कैंटिलीवर मोमेंट बेस पे इतनी लगेगी। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम हुप टेंशन, जो ये हाइट है ठीक है, ये जो हाइट बची हुई ऊपर, तो इसके ऊपर मैक्सिमम हुप टेंशन कितना लगेगा। ठीक है तो चलिए गामा डब्ल्यू इंटू एच, अब ये एच क्या है, अब देखिए हमारे अकॉर्डिंगली ये हाइट है ठीक है, लेकिन इसमें से हमें मान लीजिए ये टोटल हाइट कैपिटल एच है, तो अगर हम इसमें से कैपिटल एच में से स्मॉल एच को माइनस करें तो हमें ये हाइट मिलेगी ठीक है, बची हुई ऊपर टॉप पोर्शन की, तो बस यही हाइट रखी हमने ठीक है। गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू डी बाई टू, सिंपल ओके है फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, फर्क यहाँ पे इतना है कि ये टोटल हाइट हम कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हम कंसिडर कर रहे ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस थे। और अब आपका सवाल होगा कि भाई स्मॉल एच किस तरह से निकाला जाता है, तो देखिए स्मॉल एच ये कैपिटल एच बाय थ्री होता है या फिर वन मीटर, इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो आपको कंसीडर करनी होती है ठीक है। मान लीजिए अगर एच बाय थ्री, जो कैपिटल एच बाय थ्री की वैल्यू अगर 0.9 या 0.8 आ रही है, तो आपको ऐसी कंडीशन में वन लेनी है ठीक है। बस इस तरह से आपको ये दो चीजें पहले कंपेयर करनी है, इसको डिफरेंशिएट करना है और अपनी तरह से इसे याद रखना है ठीक है, सिंपल। ये दोनों चीजें आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक सवाल के लिए। हमने जो सवाल यहाँ पर ले रखा है वो ये है, डिजाइन अ सर्कुलर वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है और उन डेटा के बेसिस पर आपको एक सर्कुलर वाटर टैंक को डिजाइन करना है ठीक है। चलिए डेटा के अंदर आपको सबसे पहली चीज गिवन है कि भाई डायमीटर ऑफ टैंक जो है वो 6 मीटर है ओके डायमीटर। उसके बाद डेप्थ ऑफ वाटर आपको गिवन है, देखिए यहां पर टोटल हाइट या टोटल डेप्थ ऑफ टैंक आपको गिवन नहीं है, यहां पर आपको डेप्थ ऑफ वाटर गिवन है ठीक है, 3.75 मीटर। अब हम बात करते हैं टैंक रेस्ट ऑन ग्राउंड, मतलब कि टैंक जो है वो ग्राउंड पर रेस्ट हो रही है, और ये कहां है, काफी बंदे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं ठीक है। वॉल एंड स्लैब आर नॉट मोनोलिथिक, ये कहां आपको गया है कि नॉट मोनोलिथिक। अब देखिए मोनोलिथिक का सिनोनिम मतलब समानार्थी जो होता है ठीक है, मोनोलिथिक का जो सिनोनिम होता है वो होता है रिजिड ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम इसका सिनोनिम देखें, वॉल एंड स्लैब आर नॉट रिजिड, मतलब ये फ्लेक्सिबल है ठीक है, ये क्या है फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल बेस के लिए हमें इसे डिजाइन करना होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कैंटिलीवर मोमेंट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी ठीक है। अब हाँ वो कैंटिलीवर मोमेंट वाला जो केस होगा उससे भी हम डिस्कस करेंगे, अगर आप फरमाइश करो अपनी, अगर आपको जरूरत हो तो हम उसके लिए भी अलग से एक डिजाइन करेंगे, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, डिफिकल्टी कुछ नहीं होगा आपको, आई एम डैम श्योर उसके अंदर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे। जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले बताए, बस वही फॉर्मूले की अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना है और AST के जो प्रोविजन के तरीका है वो बस सेम इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है ठीक है, जो हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए यहां पर आपको कहा है कि वॉल एंड स्लैब आर नॉट मोनोलिथिक, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, नॉट रिजिड ओके, मतलब वो फ्लेक्सिबल है। आपको कहा गया है कि यूज M30 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब इन्हीं के बेसिस पर आपको एक सर्कुलर वाटर टैंक डिजाइन करनी है जो कि ग्राउंड पर रेस्ट कर रही है ठीक है, सिंपल। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज आपको निकालनी होती है कि भाई डायमेंशन कौन कौन से है उसके फिक्स करने होते हैं आपको डायमेंशन पहले ठीक है। तो सवाल के अंदर जो हमें डायमेंशन दे रखे है वो है डेप्थ ऑफ वाटर, आपको डेप्थ ऑफ वाटर दे रखा है 3.75, लेकिन आपको टोटल हाइट गिवन नहीं है। अब टोटल हाइट किस तरह से निकाली जाती है, तो हमें क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है इसके अंदर फ्रीबोर्ड को ठीक है। जो एम्प्टी स्पेस हम ऊपर टॉप में छोड़ते हैं उसे हम फ्रीबोर्ड कहते हैं, वो फ्रीबोर्ड हमें कुछ हद तक छोड़ना होता है। अब वो फ्रीबोर्ड आप 150 mm लो, 200 mm लो, 250 mm लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। हम यहां पर 250 mm मतलब के 0.25 मीटर लेते हैं। तो अब हम जब टोटल हाइट कैलकुलेट करेंगे तो डेप्थ ऑफ वाटर प्लस फ्रीबोर्ड तो कितनी हो जाएगी, ये 4 मीटर की आपकी टोटल हाइट होगी टैंक की ठीक है। आपको डायमीटर तो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है 6 मीटर का ओके। अब यहां पर देखिए ये सारे डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम हुप टेंशन बेस पे क्रिएट होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा, और उसी टेंशन के बेस पर हमें एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना होगा ठीक है। चलिए टेंशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया था ठीक है, कि टी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच इंटू डी बाई टू। सारी चीजें यहाँ पर नोन है, अननोन कुछ भी नहीं है और डिफिकल्ट भी कुछ भी नहीं है ठीक है। अब यहाँ पर काफी बंदे लगे कि पिछले वीडियो के अंदर हमने 10 ले रखा है, यहाँ पर आपने 9.8 लिया, तो देखिए ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 9.888 समथिंग होती है, तो हम उसे राउंड फिगर करके 10 ले लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। आप 10 भी ले सकते हो, आप 9.8 भी ले सकते हो ठीक है। चलिए अब कैपिटल एच तो हमें पता है ये 4 मीटर की है और 6/2 जो कि डायमीटर बाय 2 है, और इसका जो अगर कैलकुलेशन करें हम तो हो जाएगा 117.6 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ओके। मतलब 1 मीटर की हाइट के ऊपर इतना जो टेंशन है वो लग रहा है ठीक है, 117.6 किलो न्यूटन सिंपल। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि
एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे। अब रिक्वायर्ड कितना है वो हमें पता चलेगा इस तरह से टी अपॉन सिग्मा एस टी। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो सीरीज इसके बारे में देखी होगी, काफ़ी सारे टॉपिक पे मैंने डल रखे हैं हमारे पिछले वीडियोस, तो अगर उसको आपने देखा होगा अच्छी तरह से तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी और बिल्कुल सिंपल से लगेगी कि ये बिल्कुल एक खेल जैसे चल रहा है। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको डिफिकल्टी बिल्कुल क्रिएट नहीं होगी क्योंकि मैंने इस तरह से इस टॉपिक को बेसिस से उठाया है। ठीक है, बेसिक से टॉपिक उठाना बहुत जरूरी होता है। और कई सारे बंदे अगर नए हो तो मैं उनसे फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो को जरूर देखें, पिछले वीडियो को मतलब वीडियोस को जरूर देखें, काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की है। और जहाँ तक आपको मेरी सलाह है, मेरा सजेशन है, मेरी एडवाइस है और मेरा रिकमेंडेशन है कि इस वाटर टैंक के पहले वीडियो पहले पार्ट से आप सारे टॉपिक देखोगे तो आई एम डैम श्योर दैट आपको ये टॉपिक जो है, ये डिज़ाइन जो है वाटर टैंक की, हर एक केसेस के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, उन वीडियोस को ढूंढने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन सारे वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर भी जाकर उन वीडियोस को बिल्कुल इजीली देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हमने टेंशन निकाल लिया, अब इसी टेंशन के अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे AST होता है टी अपॉन सिग्मा एस टी। ठीक है, M30 ग्रेड के लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है 130। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, टी अपॉन सिग्मा एस टी मतलब 117.6 × 10³ डिवाइड बाई 130 दैट इज इक्वल टू 905 mm², ये एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंगली बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बार प्रोवाइड करने का, स्पेसिंग प्रोवाइड करने का और ये प्रोवाइडेड AST निकालने का फंडा बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। मैंने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर काफ़ी बार ये चीज़ें मैंने दोहरा दी है, रिपीट करी दी है ऑलरेडी काफ़ी, फिर भी उसके बावजूद मेरे को मुझे है काफ़ी सारे बंदों का ऐसा रिप्लाई आता है, कमेंट आती है कि ये AST जो प्रोवाइड करते हो आखिर में, ठीक है, ये वाली AST ये किस तरह से आती है समझ में नहीं आया। तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वीडियोज़ को पूरी तरह से देखा करो, स्किप मत किया करो ताकि आपके कोई भी डाउट कोई भी कंसेप्ट वहां पर छूटे ना। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान होता है ना वो खतरनाक होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो पूरी तरह से वीडियो को देखो तो आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, तो हमने क्या किया कि AST प्रोवाइड किया और जो हमने उस AST के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 12 हम अब देखिए यहाँ पर हमने 12 डाया प्रोवाइड किया, तो आप 10 भी कर सकते हो, ठीक है, 8 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन और रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने 12 प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंगली 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ रही है और जो हमने AST प्रोवाइड किया है यहाँ पर वो है 942 mm², ये किसके बेसिस पर होता है, ये डायमीटर और स्पेसिंग के बेसिस पर हमारी AST आती है। ठीक है, प्रोवाइडेड, तो ये 942 होता है। ओके, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो भी प्रोवाइडेड AST है वो आपके रिक्वायर्ड से इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम आपकी AST नहीं होनी चाहिए प्रोवाइडेड। ठीक है, सिंपल, इतना आप ध्यान में रखें। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया है कि ये जो हमने प्रीवियसली निकाला था वो बेस पर निकाला था। ठीक है, और एक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताई थी ये बात कि जब भी हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को देखेंगे तो बेस पर ज्यादा होता है और जैसे हम बॉटम टू टॉप की तरफ बढ़ते हैं हाइट के ऊपर तो वहां पर आपका प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज आपको करनी होती है कि अगर आप यूनिफॉर्मली जो आपने प्रेशर जो आपने जिस प्रेशर को कंसिडर करके बेस पर जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया था, जो स्टील आपने नीचे बेस पर प्रोवाइड किया था, अगर आप उतना ही टॉप पर प्रोवाइड करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वहां पर आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इकोनॉमिकल अंदर आपको फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिवली। ठीक है, क्योंकि वहां पर उतनी स्टील की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद आप वहां पर स्टील प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब वो वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो हमें यहां पर क्या करना होगा, एज पर द वेरिएशन ऑफ प्रेशर हमें उसी तरह से यहां पर स्टील को प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि आपने जो बेस हमारा था 4 मीटर, ठीक है, वहां पर हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे कि टॉप से जो है 2 मीटर की हाइट पर निकालेंगे कि वहां पर टेंशन कितना आ रहा है, होप टेंशन वहां पर कितना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली उस हाइट पर हम वहां पर भी क्या करेंगे स्टील को प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर फिर हम इस स्टील को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर मतलब क्या होगा आपको अल्टीमेटली आपके इकोनॉमी के अंदर फर्क पड़ेगा। ओके, पॉजिटिवली। चलिए, तो यहां पर टेंशन निकालेंगे हम 2 मीटर की हाइट पर, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू डी बाई 2, यहां पर सारी चीजें वही रहेगी, सिर्फ यहां पर वेरी होगा कैपिटल एच। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे 58.8 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो AST की वैल्यू कितनी आएगी, 452 mm², कितनी आ रही है, 452 mm², बाद में इसी के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम लोग, चाहे आप 10 डाया प्रोवाइड करो या 12 डाया प्रोवाइड करो, आपकी मर्जी, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर 250 mm सेंटर टू सेंटर हमारा स्पेसिंग आ रहा है। ठीक है, तो जो AST प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी हो रही है, 452 विच इज इक्वल टू 452 मतलब रिक्वायर्ड। ओके, प्रोवाइडेड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर इससे ज्यादा प्रोवाइड करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्त ये होती है कि इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यूर प्रोवाइडेड AST मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। ओके,
चलिए, तो ये हमने AST प्रोवाइड कर दी कि भाई बॉटम पे कितनी लगेगी और बीच में जो 2 मीटर की हाइट है या ऊपर से टॉप से वहाँ पर कितनी लगेगी, ये हमने AST निकाल लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि एक थिकनेस ऑफ वॉल जो है, अभी तक हमें पता नहीं है कि थिकनेस ऑफ वॉल कितनी रखनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी आप डिज़ाइन करते हो या फिर ऑन साइट कंस्ट्रक्ट करोगे, तो आपको ये पैरामीटर पता होना चाहिए कि जब आप वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो थ्रू आउट अपने वाटर टैंक की, तो उसकी थिकनेस आपको कितनी रखनी है। तो वो किस तरह से निकाली जाती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि आपको IS 456 के अंदर एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस करके, और सिग्मा सी टी इज इक्वल टू होता है टी अपॉन AG प्लस M-1 इंटू AST। अब AG क्या होता है, AG होता है ग्रॉस एरिया जो कि होता है B इंटू डी, या फिर हम कह सकते हैं B इंटू टी, ठीक है, थिकनेस यहाँ पर मतलब टी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो M क्या होता है यहाँ पर, M इज नथिंग बट द मॉड्यूलर रेशियो, और AST मतलब जो AST हमने मैक्सिमम बेस पर प्रोवाइड किया था वो, ओके, जो हमने बेस पर मैक्सिमम प्रोवाइड किया था वो यहाँ पर आपको लेना है, जो 2 मीटर पर प्रोवाइड किया है ऊपर से वो यहाँ पर आपको नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। चलिए, तो सिग्मा, अब यहाँ पे टेंशन क्या है, ये भी जो हमने बेस पर फाइंड किया, हर एक चीज़ यहाँ पे याद रख लीजिए कि मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है, आपको मिनिमम पर नहीं जाना है, मैक्सिमम या फिर एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके आपको डिजाइन करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप थिकनेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को देख लीजिए, यहाँ पर 117.6 × 10⁻³ जो आपका मैक्सिमम टेंशन था बेस पर वो हमने निकाला था, और बी जो है पर मीटर के लिए फाइंड करते हैं, इसका मतलब 1000 mm हो जाएगा इंटू टी मतलब थिकनेस, या फिर हम इसे स्मॉल डी भी कह सकते हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी या टी जो कहो आप उसके, ये थिकनेस ऑफ वॉल होती है जो हमें फाइंड आउट करनी है अभी, ठीक है। उसके बाद 9.33 जो होता है ये मॉड्यूलर रेशियो होता है, ये आपको IS 456 के अंदर पेज नंबर 81 के ऊपर इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला गिवन है 280/3 σ CBC, ठीक है। और 3 σ CBC, देखिए σ CBC की वैल्यू जो है M30 के लिए 10 आपको IS कोड में दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको इसके अंदर फिर भी डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखोगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ओके। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखोगे तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू पता चल गई है, ओके। σ CT, हाँ, अब σ CT जो है, ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो आप पूरा फॉर्मूला देखोगे इसके अंदर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अननोन सिर्फ एक ही है टी, और M30 के अकॉर्डिंगली जो है आपको IS 337 पार्ट 2 के अंदर, ओके, 337 पार्ट 2 के अंदर वहाँ पर आपको M30 के अकॉर्डिंगली एक टेबल गिवन है, उसके अंदर आपको σ CT की वैल्यू 1.5 Nm/mm² गिवन है, ठीक है, उस टेबल के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप σ CT की वैल्यू ले लोगे। आप यहाँ पर जो है बची हुई वैल्यू, अननोन वैल्यू कौन सी है, टी, आप बस टी को आप सब्जेक्ट बनाओ, और उसके सब्जेक्ट बनाने के बाद आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी 70.55 mm। अगर आप इसको राउंड फिगर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, आप 80 लो, 90 लो, 100 लो, ठीक है, इसके अंदर कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, आप राउंड फिगर अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 mm ले लिया, सिंपल, ये हम इसे टी कहें या फिर डी कहें, ओके। ये हमने क्या किया, थिकनेस प्रोवाइड कर दी, थिकनेस फाइंड आउट कर ली, सिंपल। अब क्या करना होगा हमें, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या फिर वर्टिकल रिइंफोर्समेंट हम इसे कह सकते हैं, ये हमें प्रोवाइड करना होता है। अब ये किस तरह से, कितना प्रोवाइड करना होता है, तो इसका सिंपल प्रोविजन होता है, ज़्यादा आपको इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप मिनिमम स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना मिनिमम, एज पर द IS कोडल प्रोविजन, मैं ये अपने पॉकेट से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपको IS कोड कहता है कि वर्टिकल रिइंफोर्समेंट, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट आपको वाटर टैंक के अंदर या फिर सर्कुलर वॉल हो उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना हो, तो आप मिनिमम जो है 0.24% प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 0.24 मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं हम, 0.20 मतलब मिनिमम PT मिनिमम डिवाइड बाय 100 इनटू B इनटू D, ठीक है। तो 0.24/100 × 1000 मतलब B हो गया, मतलब 1 मीटर के लिए, ठीक है, और इनटू D या फिर हम इसे T कहते हैं जो हमने अभी थिकनेस निकाली थी वो 100 mm, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो AST मिनिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 240 mm², सिंपल। और इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि यहां पर स्टील को प्रोवाइड कर देंगे 8 mm डायमीटर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। AST जो प्रोवाइडेड है वो कितनी हो रही है, 251 mm², विच इज ग्रेटर देन 240 mm², ओके, सिंपल। तो ये हमने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड कर दिया। अब एक और चीज आपकी बची हुई वो है बेस स्लैब, ठीक है। बेस स्लैब को आपको डिजाइन करना होता है, वहां पर भी आपको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज के अंदर काफी अच्छी तरह से बताता आ रहा हूं मैं आपको कि ये स्लैब जो होता है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सॉइल और अर्थ, तो यहां पर आपको क्या होता है, इतना इसके अंदर ज्यादा
रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो बॉटम के अंदर जो होता है, बॉटम का जो स्लैब का जो बॉटम होता है वो तो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में होता है सॉइल के या अर्थ के, तो अपना प्रेशर वो डायरेक्ट वहां पर ट्रांसफर कर सकता है। तो आपको प्रोवाइड करने की कहां जरूरत है, जो टॉप होता है स्लैब का, बेस स्लैब का जो टॉप होता है विच इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, तो वहां पर आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है या कितनी रखनी है, क्योंकि आपको सवाल के अंदर ऐसी कोई चीज स्पेसिफाई नहीं कर रखी है कि भाई आपको स्लैब के लिए कितनी थिकनेस को कंसिडर करना है। तो नॉमिनल जो थिकनेस होती है स्लैब की वो होती है 150 mm, वही हम यहां पर कंसिडर करेंगे, और जो मिनिमम स्टील होता है वो होता है 0.24%। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, AST को फाइंड आउट करेंगे। अब काफ़ी सारे बंदे यहाँ पर चक्कर खा जाए कि भाई आप जब थिकनेस यहाँ पर है 150 mm ले रहे हो तो ये 75 mm क्यों? तो देखिए मैंने आपको कहा है अभी अभी जस्ट, अगर आप ध्यान किया होगा आपने तो, कि हम जब भी स्टील प्रोवाइड करेंगे तो ऊपर के पोर्शन में प्रोवाइड करेंगे, नीचे के पोर्शन में नहीं। मतलब क्या है कि अगर आप स्लैब को बीच में से कट करोगे तो 75 mm का पोर्शन नीचे आएगा और 75 mm का पोर्शन ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब हम एक ही पोर्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर 75 mm ओनली। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंगली जो AST आ जाएगी वो कितनी आएगी, 180 mm स्क्वायर। सिंपल फॉर इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे बाद में कि 8 mm डायमीटर की या 10 mm आपके अकॉर्डिंगली आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसके अंदर तो कोई गलत नहीं होता है। हाँ, इसके अंदर फर्क पड़ेगा अगर आप डायमीटर वेरी करोगे तो आपके स्पेसिंग वेरी होगी, ठीक है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेगी, लेकिन डिज़ाइन के अंदर कोई इफेक्ट का नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो हमने इतना क्या किया कि बेस स्लैब के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है, कहाँ पर प्रोवाइड किया है, एट द टॉप ऑफ दैट स्लैब। ठीक है, चलिए तो बस यहाँ पर आपकी वाटर टैंक की डिज़ाइन बिल्कुल ख़त्म होती है, और ये रहा हमारा मेहनत का नतीजा जो कि हमने डिज़ाइन किया। बहुत सिंपल और बहुत आसान सी डिज़ाइन थी इसकी, जो कि एक सर्कुलर वाटर टैंक अगर ग्राउंड पर रेस्ट कर रही है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्सेस एक्ट तो करते नहीं हैं, जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो इनसाइड जो उसके वाटर होगा उसी के थ्रू एक्ट होगा फोर्सेस, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आई डोंट थिंक कोई भी होगा आपको, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन देखेंगे, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है, वो होगा एलिवेटेड वाटर टैंक। अब एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर क्या है कि सर्कुलर भी होते हैं और रेक्टेंगुलर भी होती है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हमें किस तरह से डिज़ाइन करने होते हैं ये हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इंपॉर्टेंट चीज यह कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी समझ आया हो, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट मी रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।